खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के, जहां पर साहिबाबाद में 32 लाख के अवैध शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये शराब लुधियाना से आ रही थी। हर रोज पुलिस भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ रही है, और जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में शराब का बड़ा जखीरा पहुंचाया जा रहा है, इसके पीछे कोई बड़ा गैंग नजर आ रहा है। 655 पेटी बताई जा रही है, क्या पूरा प्रकरण है, कितनी शराब बरामद है, क्या उसकी कीमत है? थाना साहिबाबाद क्षेत्र में आज एक्साइज की टीम और थाना साहिबाबाद की पुलिस टीम के द्वारा संयुक्त कार्यवाही में अवैध शराब की एक खेप पकड़ी गई है, जिसमें 655 पेटी शराब बरामद हुई है जो लुधियाना से ले जाई जा रही थी अन्यत्र। इसमें एक आदमी भी अरेस्ट हुआ है और उससे पूछताछ की जा रही है। उसके बाद एक आध नाम और आ रहे हैं, तो उनके बारे में भी तलाश की जा रही है, और जो लीगल एक्शन है वो लिया गया है, मुकदमा दर्ज करके उस अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है, और इसकी कीमत करीब 30 लाख के आसपास आंकी गई है। शराब सर, जो शराब का ट्रक है वो कहाँ से कहाँ सप्लाई होना था, क्या इसके बारे में जानकारी मिल पाई है, और इस नेक्सस के पीछे कौन है? ये पंजाब नंबर का ट्रक था जिसके बारे में, जो लुधियाना से आ रहा था, और आगे एक दो स्थान पता चले हैं जो यूपी और यूपी के बाहर भी हैं, जहाँ पे ले जाया जाता है। इस तरीके से पूछताछ की जा रही है, नेक्सस के बारे में और पता लगाया जा रहा है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इस बारे में और पता लगेगा। जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। Done.